हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हैशटैग SEO। आई होप पिछले वीडियो में मैंने जो 5 बैकलिंक्स आपसे शेयर किए थे वो आपने क्रिएट कर लिए होंगे। अगर आपने उसे मिस कर दिया है तो मैंने पिछले वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में डाल दिया है। जैसा कि आप जानते हैं, .gov और .edu डोमेन की वेबसाइट्स में एज, ट्रस्ट और डोमेन अथॉरिटी होता है, जिसे सभी लिंक बिल्डर्स पसंद करते हैं। .gov और .edu वेबसाइट्स में कंटेक्सचुअल बैकलिंक बनाना आसान नहीं होता, लेकिन मैंने आज के एपिसोड में आपके लिए इसे आसान बना दिया है। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, मैं रिकमेंड करता हूं कि आप क्रोम ब्राउज़र यूज़ करें, जिससे कि नॉन इंग्लिश .gov और .edu वेबसाइट्स को एक क्लिक में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जा सके। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स बिगिन। हम लोगों का पहला साइट पुएर्टो रिको की एक गवर्नमेंट वेबसाइट है। यहाँ रजिस्टर करने के बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको माय प्रोफाइल में जाना है और एडिट प्रोफाइल बटन पर क्लिक करना है। बैकलिंक क्रिएट करने के लिए आपको मैनेज प्रोफाइल टैब में जाना होगा और नीचे स्क्रॉल करके बायोग्राफी सेक्शन में अपना कंटेंट लिखना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने एक यूनिक SEO ऑप्टिमाइज कंटेंट में हाउ टू गेट क्वालिटी बैकलिंक्स को एंकर टेक्स्ट बनाकर अपने पिछले वीडियो का कंटेक्सचुअल बैकलिंक क्रिएट किया है। अपडेट पर क्लिक करते ही आपका बैकलिंक रेडी हो जाएगा, जिसको आप माय प्रोफाइल में जाकर चेक कर सकते हैं। एज पर मॉज, इस वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी 75 है। हम लोगों का दूसरा वेबसाइट है cfam.gpr.edu.cu। ये क्यूबा की EDU वेबसाइट है। यहाँ रजिस्टर करने के बाद आपको माय प्रोफाइल में जाना है, जहाँ पर आप अपने प्रोफाइल एडिट कर पाएंगे। पेज को नीचे स्क्रॉल करने पर आपको बायोग्राफिकल समरी दिखाई देगा, जहां पर आप अपना कंटेंट लिख सकते हैं और अपना बैकलिंक प्लेस कर सकते हैं। एडिट प्रोफाइल का रिक्वायर्ड फील्ड्स फिलअप करने के बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। अपने प्रोफाइल का URL पता करने के लिए आपको मेरे बताए हुए ट्रिक का यूज़ करना होगा। होम पेज पर आपको किसी भी एक आर्टिकल पर क्लिक करना है और आर्टिकल पेज पर नीचे स्क्रॉल करके कोई भी एक थैंकफुल कमेंट ऐड करना है। कमेंट ऐड होने के बाद आप अपने प्रोफाइल नेम पर क्लिक करके अपना प्रोफाइल URL पता कर सकते हैं, जहां आपका बैकलिंक दिखाई देगा। अगर आपको प्रोफाइल URL पता करने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप लॉग आउट कर सकते हैं और दोबारा उसी आर्टिकल में जा सकते हैं। जब आप अपने कमेंट में अपने प्रोफाइल नेम पर क्लिक करेंगे तो आपको आसानी से अपने प्रोफाइल URL पता चल जाएगा। माउस पर इस वेबसाइट की DA 42 है। हम लोगों का तीसरा वेबसाइट है digitalmedialab.johncabot.edu। जब आप यहां साइन अप करेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया जाएगा, जहां पर आपको अपना प्रोफाइल डिटेल्स फिलअप करना होगा। उसी फॉर्म में एक बायो सेक्शन भी होगा, जहां पर आप अपना कंटेंट डाल सकते हैं और एंकर टेक्स्ट के फॉर्म में बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं। अपने प्रोफाइल डिटेल्स को सेव करते ही आपको अपना अकाउंट एक्टिवेट करना होगा। ईमेल में आए हुए एक्टिवेशन की का यूज़ करके आप अपना अकाउंट एक्टिवेट कर सकते हैं, जिसके बाद आपको अपने प्रोफाइल में आपका कंटेक्सचुअल बैकलिंक भी दिखाई देगा। एज पर मॉज, इस वेबसाइट की DA 65 है। हम लोगों का फोर्थ वेबसाइट है ritanim.rit.edu। ये न्यूयॉर्क की EDU वेबसाइट है। यहाँ पर जब आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा। उस क्वेश्चन के आंसर में आपको year 1 टाइप करना है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको यूज़र CP पर क्लिक करना है। आपको लेफ्ट हैंड साइड में एडिट प्रोफाइल दिखाई देगा, जहाँ आपको चेंज सिग्नेचर पर क्लिक करना होगा। एक टेक्स्ट बॉक्स दिखाई देगा, जहाँ आप अपना सिग्नेचर एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना कंटेंट लिख सकते हैं और कंटेक्सचुअल बैकलिंक प्लेस कर सकते हैं। अपडेट सिग्नेचर पर क्लिक करते ही आपका बैकलिंक रेडी हो जाएगा, जिसको आप अपने यूज़र नेम पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं।
एज पर मॉज इस वेबसाइट का DA82 है जो बैकलिंग के पर्पज़ से बहुत ही अच्छा है। लास्टली हम लोगों का फिफ्थ वेबसाइट है trove.nla.gov.au। ये ऑस्ट्रेलिया की EDU वेबसाइट है। यहाँ साइनअप करने के बाद आपको माई प्रोफाइल में जाना है, जहाँ आपको सेटिंग्स टैब में प्राइवेसी सेक्शन दिखाई देगा। यहाँ आपको यूज़र प्रोफाइल और यूज़र बायोग्राफी को प्राइवेट से चेंज करके पब्लिक सेट करना होगा। उसके बाद आपको अबाउट टैब में जाकर अपना प्रोफाइल डिटेल्स एडिट करना है। वहाँ आपको बायोग्राफी सेक्शन दिखाई देगा, जहाँ आप अपना कंटेंट लिख सकते हैं और कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक प्लेस कर सकते हैं। प्रोफाइल डिटेल्स को सेव करते ही आपका बैकलिंक रेडी हो जाएगा। आप एड्रेस बार में मेरे बैकलिंक का URL देख सकते हैं। अपना बैकलिंक चेक करने के लिए आपको एड्रेस बार में दिखाए हुए URL में मेरे यूज़र नेम को अपने यूज़र नेम से रिप्लेस करना होगा। मॉज में इसका डोमेन अथॉरिटी 72 है, जो बहुत ही अच्छा है। आई होप आज के वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप अपने क्वेरीज और डाउट्स नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 5 नए पैक लिंक्स के साथ।